नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 13.4 से पहले के जो एग्जाम्पल थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया था और एक एग्जाम्पल अपना शेष रह गया था, एग्जाम्पल नंबर 27। इस क्लास में अपन बात करते हैं एग्जाम्पल 27 के बारे में। यदि चार बिंदु जिनके स्थिति सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर व डी वेक्टर समतलीय हो तो सिद्ध कीजिए कि ऐसा। अब देखो अपने को कितने बिंदु दे रखे हैं, चार बिंदु। हमने उदाहरण 26 में पढ़ा है, अभी ये चारों बिंदु समतलीय होंगे यदि हम जानते हैं ये बिंदु समतलीय होंगे यदि समतलीय होंगे यदि ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर इसके बराबर क्या है। लेकिन इस प्रश्न में ये कह रहा है कि समतलीय हो तो अपन क्या ले लेंगे, हम जानते हैं चार बिंदु समतलीय हो तो ए बी वेक्टर, एसी वेक्टर और एडी वेक्टर बराबर कितना आएगा, जीरो। अब एबी वेक्टर निकालेंगे कैसे, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, तो बी का स्थिति सदिश कितना है बी वेक्टर और ए का स्थिति सदिश कितना है ए वेक्टर, तो यहां से क्या आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एसी वेक्टर क्या आएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और एडी वेक्टर क्या आएगा डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर कितना, तो इधर लिख सकते हैं ए बी वेक्टर बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, ए सी वेक्टर सी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश और ए डी वेक्टर डी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। अब इसको हल करना जानते हैं पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, पहले से डॉट प्रोडक्ट होगा और दूसरे और तीसरे के मध्य कौन सा प्रोडक्ट होगा क्रॉस प्रोडक्ट, इसके बराबर में कितना है जीरो। यहां क्रॉस प्रोडक्ट करवाएं पहले इनके बीच में, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी का क्रॉस किससे होगा डी से, सी का क्रॉस किससे होगा डी से, सी का क्रॉस किससे होगा ए से, ए का क्रॉस किससे होगा डी से और ए का क्रॉस किससे होगा ए से, एक क्रॉस से इसकी वैल्यू कितनी हो गई जीरो। तो हमारे पास क्या आ गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस डी। अब डॉट प्रोडक्ट यहां पे कौन सा प्रोडक्ट है डॉट, तो पहले बी का डॉट इन सब से होगा, तो ये तो क्या आएगा बी डॉट सी क्रॉस डी माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए माइनस बी डॉट ए क्रॉस डी। पहले किससे डॉट करवा दिया बी से, अब किससे डॉट होगा ए से माइनस ए डॉट सी क्रॉस डी माइनस माइनस प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस ए डॉट ए क्रॉस डी इसके बराबर में कितना आ गया ये हमने पढ़ा था। गुणधर्म में जब भी दो सदिश समान होंगे तो अदिश त्रिगुणनफल का मान कितना होगा शून्य, तो इसका मान भी कितना हो गया शून्य, यहाँ पे भी कितना हो गया शून्य, बाकी ये 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 अब उनको क्या लिख देंगे अपन, उसको तो क्या लिखेंगे बी सी डी फिर माइनस बी सी ए माइनस बी ए डी माइनस ए सी डी बराबर कितना है जी। अब देखो B
बी सी डी, बी के बाद में सी आ रहा है, सी के बाद में क्या रहा है ए, जो सिद्ध करना उसमें देखो ए बी सी, तो ये क्रम से आ रहे हैं बी सी ए, तो इनका चक्रीय क्रम में परिवर्तन करें तो कोई अंतर नहीं, बी ए बी, इधर देखो क्या है ए बी डी, एक बी के बाद में सी आएगा या डी आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहा है ए, जैसे इनका क्रम बदलेंगे तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, इसी प्रकार देखो ए के बाद में सी आता है, सी के बाद में डी, ये क्रम से आ रहा है लेकिन देखो यहाँ सी के बाद में डी आना चाहिए था, जैसे इनका क्रम भंग करेंगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर कितना जीरो, ये ए बी सी बन जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, तो ए बी सी बराबर कितना आ गया बी सी डी प्लस ए बी डी प्लस सी डी, यही हमें क्या करना था सी, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना था 27, इसको कर सकते हो, जो हमने गुणधर्म पढ़े थे अधिश त्रिगुणन के उनकी सहायता से अपने एग्जाम्पल किया, एग्जाम्पल 28 और गुण 29 में चतुष्फलक और षटफलक का आयतन पूछा है, तो आप फॉर्मूले की सहायता से डायरेक्ट आप याद कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 13.4, एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर एक, सिद्ध कीजिए आई जे के प्लस आई के जे बराबर कितना जी, आप इसको आसानी से हल कर सकते हो, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस आई डॉट के क्रॉस जी, यहाँ तो i बनेगा और यहाँ माइनस का क्या बनेगा i, i डॉट i एक और ये माइनस एक कितना आ गया जीरो, ये क्वेश्चन नंबर एक का कौन सा था। दूसरा देखो 2i प्लस j प्लस k प्लस i k j प्लस k जे टू आई, इसको टू आई डॉट जे क्रॉस के प्लस आई डॉट के क्रॉस जे प्लस टू जे क्रॉस के आई के क्रॉस जे माइनस आई और ए माइनस का डॉट प्रोडक्ट है तो वन, ये माइनस का वन और ये माइनस का कितना टू, तो माइनस का कितना आ गया एक, ये हमें क्या करना था इसके बराबर में सिद्ध, ये हमारे 13.4 का क्वेश्चन नंबर कितना हो गया एक। क्वेश्चन नंबर दो देखो, ए वेक्टर बराबर टू आई कैफ माइनस तीन जे कैफ प्लस चार के कैफ, बी वेक्टर बराबर आई कैफ प्लस दो जे कैफ माइनस के कैफ और सी वेक्टर बराबर तीन आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस का टू के कैफ हो, तो ए बी सी ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना अपने को, तो इसका सीधा फॉर्मूला पढ़ा हमने ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, वैल्यू रख दो दो माइनस तीन चार एक दो माइनस एक तीन माइनस एक दो, हल कर दो इसको, दो को बाहर रखा ये चार माइनस का एक दो प्लस का तीन,
चार को बाहर रखा, माइनस एक और माइनस का छः, ये कितना आ गया छः, पाँच पाँच तीन पंद्रह, अट्ठाईस, पंद्रह और छः इक्कीस, तो माइनस का कितना आ गया सात। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, दो। आप आसानी से हल कर सकते हो, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वैल्यू रखो कैलकुलेशन का। क्वेश्चन नंबर तीन देखो, सिद्ध कीजिए कि माइनस टू आई कैफ माइनस टू जे कैफ प्लस चार के कैफ, माइनस टू आई कैफ प्लस चार जे कैफ माइनस टू के कैफ, चार आई कैफ समतली है। ये सिद्ध करना है कि तीन जो सदिश हैं वो कैसे हैं समतलीय, और हमने फॉर्मूला पढ़ा है तीन सदिश समतलीय होंगे यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आदि त्रिगुणनफल के बराबर में क्या हो, जीरो। या अपन ये भी कह सकते हैं ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री किसके बराबर आ जाए, जीरो। इसकी वैल्यू निकाल के देख लो, माइनस दो माइनस दो चार, माइनस दो चार माइनस दो चार, माइनस दो माइनस दो, कैलकुलेट कर लो इसको, माइनस आठ, दो दो चार माइनस का चार, चार प्लस आठ, बारह, बारह का दो से गुणा किया तो सौ बीस, ये कितना सौ बीस और ये बारह चौके अड़तालीस, इसका माइनस का कितना आ गया जीरो। अतः ये बिंदु कैसे हैं समतलीय। क्वेश्चन नंबर चार आप खुद हल करोगे, लैम्डा के किस मान के लिए बिंदु समतलीय है, तो इसके बराबर में जीरो रख लेंगे, वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की। क्वेश्चन नंबर पांच है, उस टाइप का भी मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है, चार बिंदु दिए हुए हैं ए बी सी डी, सिद्ध कीजिए कि बिंदु समतलीय है, तो ए बी वेक्टर निकालेंगे, एसी वेक्टर निकालेंगे और एडी वेक्टर निकालेंगे, इसका जो मान है वो किसके बराबर आ जाना चाहिए, जीरो। जीरो के बराबर आ जाएगा तो बिंदु कैसे होंगे समतलीय। क्वेश्चन नंबर छह देखो, ए वेक्टर बराबर टू आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस के कैफ, बी वेक्टर बराबर आई कैफ माइनस तीन जे कैफ माइनस पाँच के कैफ, और सी वेक्टर बराबर तीन आई कैफ माइनस चार जे कैफ माइनस चार के कैफ, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। अपने को ये सिद्ध करना है कि एक समकोण त्रिभुज की क्या है, भुजाएं। तो इसका सॉल्यूशन अपन टू टाइप से पढ़ सकते हैं, एक तो हमने 13.1 में पढ़ा है, ए वेक्टर दिया हुआ है टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप और सी वेक्टर दिया हुआ है तीन आई कैप माइनस चार जे कैप प्लस माइनस चार। हमने पढ़ा था किसी सदिश का जो परिमाण होता है उसकी एक दिश रेखाखंड की क्या होती है, लंबाई। तो यहां से मोड ऑफ ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा, तो मोड ऑफ ए बी वेक्टर बराबर कितना आ गया, चार और एक पांच और एक छह। मोड ऑफ बी सी वेक्टर कितना आ जाएगा, एक का स्क्वायर माइनस तीन का स्क्वायर माइनस पांच का स्क्वायर, पच्चीस और नौ चौंतीस, चौंतीस और एक पैंतीस,
एसी वेक्टर निकालेंगे, 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, 9, 16 और 16, 16, 16, 32 और 9, किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो देखो ए बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी सी वेक्टर का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, या ये सदिश एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं। एक तरीका तो ये हो गया अपने पास इस प्रश्न को हल करने का। दूसरा तरीका देखो, देखो ये वेक्टर मान लेते हैं अपन, ये बी वेक्टर है, यहां पे कितने डिग्री का कोण दिखा दे? 90 डिग्री का। अब ये कैसे दिखाएं जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आ जाए? 0। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 2 i कैप माइनस j कैप माइनस माइनस प्लस और ये माइनस का 5। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आ गया? इसका मतलब कोण ए बी सी बराबर कितना डिग्री आ गया? 90 डिग्री। तो ये कोण तो कितने डिग्री का आ गया? 90 डिग्री। अब देखो इन दो का योग सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से सी वेक्टर बराबर क्या आना चाहिए? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सी वेक्टर बराबर क्या आना चाहिए? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो देखो 2i i कितना हो गया? 3i, -3j -j -4 और -5 + k - कितना हो गया? 4। तो आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब कोण 90 डिग्री का है और सदिश योग के त्रिभुज नियम से सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस कितना आ गया? बी वेक्टर। तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं को क्या करती है? निरूपित।